हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है मेरे अडेनियम कलेक्शन से होने वाला है। आज मैं सारे अपने अडेनियम दिखाऊंगी आपको कि मेरे पास कौन कौन से और किस किस कलर के अडेनियम प्लांट हैं। कुछ अरेबिकम हैं, कुछ होबेसम हैं और कुछ प्लांट मेरे खिल करके सूख गए हैं और कुछ खिले हुए हैं। ये एक बहुत ही प्यारा कलर है, देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका शेड है। ये भी कलर बहुत अच्छा है। एक ही ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मौसम की वजह से लाइट कलर है पर ये बहुत डार्क कलर खिलता है। एक कलर ये है, देखिए काफ़ी ऐसे कलर हैं जो खिल करके ख़त्म हो गए हैं। ये कलर चेंजिंग अडेनियम है। ये देखिए दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा रेड पन आ जाता है इसके कलर में। और काफ़ी जो है अडेनियम देखिए कलियां बनी हुई हैं। ये भी कलर चेंजिंग ही अडेनियम है मेरा। और अभी मैंने कुछ अडेनियम जो है शेड में रखा था, फिर जब बारिश नहीं हुई उसके बाद फिर मैंने धूप में उठा के रख दिया था। ये मेरा दो कलर का ग्राफ्ट किया हुआ अडेनियम है। एक ये कलर है और दूसरा कलर खिल करके ख़त्म हुआ है। कुछ ये देखिए मरून कलर में है दूसरा कलर इसका। एक इसका कलर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, येलो कलर में है पर ज़्यादा दिन हो गया खिले तो वाइट कलर दिख रहा था। इसका शेड बहुत प्यारा है, येलो और रेड है। काफ़ी खूबसूरत कलर है ये। जब फर्स्ट डे खिलता है तो बहुत ही प्यारा लगता है इसका कलर। वाइट कलर का भी मेरे पास अडेनियम काफ़ी हैं इसमें और ये थोड़ा डिफरेंट है। इस समय थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा सा कलर भी चेंज हुए हैं। ये ब्लैक स्वान है और इसमें देखिए एक फूल पे कीड़े लगा हुआ है और उसको खा रहा है। एक कलर ये भी आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत कलर है ये। लाइट येलो कलर का ये कलर ऐसे ही रहता है, बहुत डार्क कलर येलो नहीं है इसका। ये भी एक कलर है, बहुत प्यारा कलर है ये। ये कलर चेंजिंग अडेनियम है। इसको मैंने दो तीन प्लांट इसके मैंने सेल भी किए हैं, काफ़ी खूबसूरत कलर है। ये सारे खिल करके ख़त्म हुए हैं। कुछ अरेबिकम है, इधर अरेबिकम की सीडलिंग्स हैं जो नीचे रखी हुई हैं। और ये मेरे काफ़ी बड़े प्लांट हैं जो आपने काफ़ी वीडियो में देखे होंगे, खिले हुए हैं इस टाइम। इसका काफ़ी मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, आपने देखा होगा पहले भी। अब कुछ अरेबिकम की बात कर लेते हैं। देखिए ये सारे अरेबिकम के मेरे प्लांट हैं। लीफ मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी थी, बारिश का टाइम था तो मैंने सारे के सारे प्लांट की जो है पत्तों को हटा दिया था कट करके। इसमें कुछ बड़े प्लांट हैं, कुछ छोटे प्लांट हैं, मिक्स टाइप में हैं, लेकिन अधिकतर इस एरिया में मैंने बड़े प्लांट ही रखे हुए हैं। छोटे प्लांट मैंने जो सीडलिंग्स हैं थोड़े अलग रखे हैं। एक ओबेसम का ये कलर बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है ये कलर। एक ये कलर है। अभी इनमें कलियां बनी हुई हैं और खिली नहीं हैं। ये भी कलर चेंज अडेनियम है, डार्क येलो कलर फिर उसके बाद रेड पन। 3 से 4 दिन में इनके कलर चेंज होते हैं। एक ये कलर है, इसके कलर भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारा कलर है इसका भी। इस फ्लोर पे मेरे सारे अडेनियम रखे हुए हैं और सिर्फ अडेनियम ही है अधिकतर और कुछ फ्रूटिंग प्लांट है। ये सारे अडेनियम मेरे इसी फ्लोर पे रखे हुए हैं और
ये कलर चेंजिंग एडेनियम है, बहुत ही प्यारा कलर है, डार्क येलो है, और दूसरे से दो से तीन दिन में इसका दूसरा कलर देखिए आप रेड कलर हो जाता है। बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर। तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।